हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा एंड वेलकम टू निशा फैशन। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो लाई हूं। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट लव लैब गैलेक्सी स्ट्रोलर। अगर आप अपने लिटिल बेबी के लिए एक स्टडी और स्पेशियस स्ट्रोलर ढूंढ रहे हो तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रोलर फॉर यू। मैंने अपने बेबी के लिए ये स्ट्रोलर अमेजोन से परचेस किया है और मुझे इसका कॉस्ट पड़ा है 5290 रुपीज। ये 0-3 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चों के लिए है और अप टू 25 के लिए। तो आज मैं ये लव लैब का गैलेक्सी स्ट्रोलर के इंस्टॉलेशन एंड इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाली हूँ और इसके सारे फीचर्स भी बताने वाली हूँ। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन। तो इस तरह के एक बॉक्स मिला है। बॉक्स के अंदर एक पैकेट मिला है। इस पैकेट के अंदर स्ट्रोलर के सारे पार्ट्स दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड ट्रे, कैनोपी, हैंडल बार, टू फ्रंट व्हील्स, टू रियर व्हील एक्सल, एंड यहाँ पे है ब्रेक सॉकेट एंड अदर पार्ट्स, और ये है स्ट्रोलर फ्रेम। सबसे पहले इस स्ट्रोलर फ्रेम को सेट करना है। और ये जो फ्रंट व्हील से वो एक एक करके सेट करना है। ये बहुत ही सिंपल एंड इजी वे है। ये देखिए, एक क्लिक में ये सेट हो गया है फ्रंट व्हील्स। अभी टाइम है रियर व्हील को सेट करना। ये देखिए, रियर व्हील एक्सल है ये, और ये है रियर व्हील जिसमें लगा रहे हैं ब्रेक सॉकेट और उसको लगा रहे हैं रियर व्हील एक्सल पर। ये रेडी हो गया है। अभी इसमें डालना है वॉशर एंड कॉटर पिन, एंड लास्ट में इसमें डालना है सिल्वर कलर का हब कैप। ये देखिए, अभी रियर व्हील रेडी हो गया है। अभी इसको अटैच करना है। अब ये रियर व्हील भी सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। नाउ स्ट्रॉलर रेडी हो गया है। अभी इसमें कैनोपी अटैच करना है। तो उसके लिए ये देखिए, कुछ इस तरह से सेट करना है और एक स्क्रू है जिसको इसमें लगा देना है। ये देखिए, ये भी रेडी हो गया है। दोनों तरफ से स्क्रू लगा दिया है। नाउ कैनोपी सेट हो गया है। अभी ये जो हैंडल बार है, इसको इस तरह से पीछे से लव लैब देखना है और इसको इस तरह से अटैच करना है। ये देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल है। और ये है फूड ट्रे, इसको अटैच करना भी बहुत ही इजी है। ये देखिए, फूड ट्रे अटैच्ड हो गया है। नाउ स्ट्रोलर इंस्टॉलेशन इज डन। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस स्ट्रोलर के फीचर्स एंड डेमो। इस लव लैब गैलेक्सी स्ट्रोलर में जो बैक रेस्ट है उसमें 3 पोजीशंस होता है। ये है स्लीपिंग पोजीशन, ये है रेस्टिंग पोजीशन, और ये है सिटिंग पोजीशन। इसमें जो लेग रेस्ट है ये एडजस्टेबल है। आप अपने बेबी के कंफर्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए, इसमें फुट रेस्ट भी है बेबी के फुट रखने के लिए, ये भी एडजस्टेबल है। इसमें है इजी टू यूज 5-point सेफ्टी हार्नेस विद अ बकल सिस्टम। इस बेल्ट को इस तरह से अटैच करना है और इसमें अपनी बेबी बिल्कुल सेफ रहेगी। और ये जो कुशन है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है बेबी के लिए। इस
इसमें है डिटैचेबल फूड ट्रे, इसमें दो बटन हैं, आप क्लिक करके इसको डिटैच कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको अटैच करना भी बहुत इजी है। इस तरह से इसको अटैच करना है। आप इस फूड ट्रे को चाहे अटैच कर सकते हो, नहीं तो डिटैच भी कर सकते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप इसमें फीडिंग बॉटल भी ऐड कर सकते हो, हैंड को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर भी रख सकते हो। स्ट्रोलर के व्हील्स को स्टॉप करने के लिए ब्रेक दिया हुआ है, ये देखिए। इसको डाउन की तरफ प्रेस करते ही इसका रियर व्हील स्टॉप हो गया है। इसको फिर से मैं मूवेबल कर रही हूँ इस तरह से, और इसके फ्रंट व्हील में भी ब्रेक दिया हुआ है। इसको डाउन करते ही ये स्टॉप हो जाता है, दोनों व्हील्स में ब्रेक दिया हुआ है। और ये जो व्हील्स का रोटेशन है, इसको बंद करने के लिए पीछे और एक ब्रेक दिया हुआ है, ये देखिए। इसको भी डाउन की तरह करते ही ये रोटेशन भी बंद हो जाता है। इसमें जो हैंडल बार है ये एडजस्टेबल है, इस नॉब को पुल करके इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है। ये जो कैनोपी है ये एडजस्टेबल है, इसको आप फुल्ली सेट कर सकते हो और इस लॉक से लॉक कर सकते हो। और ये है लुकिंग विंडो, आप अपनी बेबी को इस विंडो से देख सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर बेबी। इस लॉक को आप अनलॉक करके इस कैनोपी को ओपन कर सकते हो। इस कैनोपी में एक बटन दिया हुआ है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हैं। इस बटन को इसमें एडजस्ट करके आप इस कैनोपी को हाफ ओपन करके रख सकते हो इस तरह से। स्ट्रोलर के नीचे है स्टोरेज, इसमें आप बेबी आइटम्स या फिर टॉयज रख सकते हो। और इस स्ट्रोलर को बंद करना भी बहुत ही इजी है, इसमें एक रेड बटन है हैंडल बार में, जिसको प्रेस करते ही इस स्ट्रोलर बंद हो जाता है। अभी मैं इस स्ट्रोलर में अपनी बेबी को लेके बाहर घूमने जा रही हूँ। मेरी बेबी बहुत ही कंफर्टेबल है इस स्ट्रोलर में, और मेरे लिए भी बहुत आसान है स्ट्रोलर में बेबी को घुमाना। मैं तो अपनी बेबी के साथ बाहर घूम रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, उससे मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।